हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस अच्छे होंगे, अपना ख्याल जरूर रखने होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या होगा और क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब अपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल अलाउ नहीं है। और अगर यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं दिया है मैंने, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, ठीक है। तो अब रीडिंग पर आते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आज पूरा दिन क्या सोचेंगे वो आपके बारे में, क्या सोचेंगे आपके पार्टनर आज पूरा दिन आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का। हीलिंग, आपके पर्सन हीलिंग के बारे में सोचेंगे, कंप्लीशन के बारे में सोचेंगे, एक होने के बारे में सोचेंगे, सोचेंगे कि इस पर्सन को बेसब्री से इंतज़ार है इस कंप्लीशन का, एक होने का, आपके रिश्ते को हील करने का, ठीक है। ये पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे कि आप एफर्ट्स करो, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है एफर्ट्स करने का तो ये चाहते हैं आप एफर्ट्स करो, तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं अगर आपको करने की ज़रूरत है तो। और अगर इनको करने की ज़रूरत है तो ये पर्सन करने के लिए रेडी है, ठीक है। इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आप दोनों का बेबी हो सकता है, बेबी आने वाला है, ये भी हो सकता है, या रोमांटिक रिलेशनशिप में आप दोनों रहे हो। आपकी पर्सन आपके क्लोज आना भी चाहेंगे आज के दिन, ठीक है। मैच्योरिटी आ रही है इस पर्सन में, जो आज ये इतना मैच्योर हुए हैं, मैच्योरिटी आई है, वजह ये पर्सन आपको मानते हैं, ठीक है। आपके प्यार ने इस पर्सन को काफ़ी मैच्योर बनाया है, दुनियादारी क्या होती है, लोग कैसे होते हैं, सही बुरा, अच्छा सही और गलत में फ़र्क नहीं इन्होंने सीखा है, ठीक है। ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं, हिल करना चाहते हैं आपके रिश्ते को, आप दोनों के बीच जो चीज़ अनबैलेंस है, जो चीज़ें मिसिंग है चाहते हैं, जैसे कि ट्रस्ट मिसिंग है, अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, ये चाहते हैं, ठीक है। रिश्ता कहीं ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं ये। आपके पार्टनर सोचेंगे कि इन्होंने आपको भूलने की हज़ार कोशिश किया है पर भूल नहीं पाए हैं। अगर पास्ट को लाए थे तो पछतावा है इस पर्सन को, पास्ट को क्यों लाए आप दोनों के बीच, क्योंकि आप दोनों का कंप्लीशन होते होते रह गया। और अगर आपने लाया था, आपकी तरफ से पास्ट आए थे, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते को एक और चांस देने के लिए रेडी हैं, पर आप सिर्फ इनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचो, पास्ट को भूलकर पास्ट से आप बाहर आओ, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पास्ट से बाहर आओ। अगर आपने पास्ट को लेकर बैठा है, चाहे आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है या आपके कोई एक्स वगैरह रहे हैं, आपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है आपने, उससे आप बाहर आओ। आपके पार्टनर चाहते हैं और आप अपना पूरा फोकस इन पर करो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, तो भूल नहीं पाए हैं आपको, ठीक है। इसलिए फिर से नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। खामोशियां हैं आप दोनों के बीच, इस खामोशियों को तोड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे। आज के दिन काफ़ी इमोशनल रहेंगे आपके लिए, काफ़ी इमोशंस हाई रहेगा इनका आपको लेकर, ठीक है। ये पर्सन सोचेंगे, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे भक्ति आ रहे हैं, आपके रिश्ते से भक्ति आ रहे हैं, आप दोनों के बीच दीवार खड़ी इन्होंने खुद किया है, काफ़ी कंजूस हैं प्यार के मामले में ये, ऐसा हो सकता है। तो अब ये पर्सन भरपूर प्यार आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये तो ये पर्सन आपको समझते हैं कि आप प्यार के मामले में काफ़ी कंजूस हो, तो खुलकर अपनी बातें, अपना प्यार जाहिर करो, आप ये ज़रूर चाहते हैं। आप एफर्ट्स करो, हो सकता है कि आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं करते, यही आप दोनों के बीच दीवार बन गई है, आप बात नहीं करते, एफर्ट्स नहीं करते, आप नहीं करते, ये नहीं कर रहे ना। अगर इन्होंने नहीं किया है तो ये पर्सन आज रेडी हैं, ये खुद करेंगे, करने के बारे में सोच रहे, इस पर्सन को पछतावा है, ठीक है। जो करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया है, तो आज इस पर्सन को पछतावा है कि क्यों मैंने एफर्ट्स नहीं किया, और आज ये करना चाहते हैं और करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मैच्योरिटी के साथ। और अगर आपको करने की ज़रूरत है तो ये आपसे चाहते हैं, ठीक है। आप में मैच्योरिटी देखना चाहते हैं, आप में एफर्ट्स देखना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंक करेंगे आज के दिन आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। स्ट्रेस में रहेंगे अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी दिनों से नहीं हुई है,
स्ट्रेस में रहेंगे, अपना गुस्सा मुझे और लोगों पर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन इतने स्ट्रेस में इसलिए हैं क्योंकि बातचीत नहीं हो रही, आप दोनों के बीच दूरियां सी आ गई है। इनको लग रहा है आप दूर जा रहे हो डे बाय डे, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही है। तो वापस से साथ चाहेंगे आपका, ठीक है, आपका साथ चाहेंगे, कंप्लीशन चाहेंगे, कंप्लीशन कैसे लाना है उसके बारे में सोचेंगे। तो ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, कॉन्शियस होंगे आपके रिश्तों को लेकर, ठीक है, हो चुके हैं ये कहना चाहिए मुझे। हिल कर रहे हैं, खुद को बहुत बेहतर इंसान बना रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं कोई एफर्ट्स लेने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, स्टैंड लेने के लिए। कहीं से निकलने की ज़रूरत है इनको, किसी बंधन में है, किसी सिचुएशन में है जहाँ पर इनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, या तो किसी के खिलाफ जाने की ज़रूरत है या आपके रिश्ते के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और ये पर्सन किसी और के कंट्रोल में है तो खुद को रेडी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, जब ये पर्सन ये करेंगे। किसी को बिना हर्ट पहुंचाए आप दोनों का कंप्लीशन आ जाए, ये इनकी कोशिश होगी। किसी बात को लेकर काफ़ी गिल्टी हैं आपके पार्टनर, ठीक है, एफर्ट्स ना करने का आपके रिश्ते के लिए, या किसी और से शादी कर लिया इन्होंने, किसी और को ला लिया आप दोनों के बीच, तो गिल्टी हैं ये पर्सन। मुझे कंप्लीशन के बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है आज के दिन आप दोनों के बीच होने का, क्या पॉसिबिलिटीज है ये सब सोचेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। आप दोनों के बीच पॉसिबिलिटीज क्या है आज के दिन होने का, क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का। इस पर्सन का बिहेवियर, इनर्जी, इनका बर्ताव आपको हर्ट कर सकते हैं, इनसे कुछ मिस्टेक्स हुआ है जिसको ना मानकर ये आपको ही ब्लेम कर सकते हैं, या तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इस बात का। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स रही है तो एक्सेप्ट कीजिए और इनसे खुलकर बातें कीजिए, मैच्योरिटी के साथ डील कीजिए, ठीक है। मैच्योरिटी देखना चाहते हैं ये पर्सन आप में, या तो आप चाहते हो कि ये पर्सन मैच्योर हो, ठीक है, आप मैच्योरिटी इनमें देखना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो इस पर्सन से, आप कुछ चाहते हो इस पर्सन से, या तो ये पर्सन आपसे कुछ चाहते हैं, कुछ प्रूफ चाहिए। पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिश्ते में, आपकी लव रिलेशनशिप में। अगर आपको जो भी चाहिए इनसे, वो इनसे कहने की ज़रूरत है, और देखिए कि पर्सन आपको दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग ले इनका बर्ताव मुझे कुछ खास सही नहीं लग रहा है, काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स हुआ है जिसका रियलाइजेशन इस पर्सन को नहीं हुआ है, कुछ लोग ले कह रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले कार्ड्स में आया है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गई है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर को जिन लोगों के पार्टनर को नहीं हुआ है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, फ्यूचर में रियलाइजेशन होगी जो कि आज नहीं हुई है। अगर आप देख पा रहे हो इस पर्सन को कोई पछतावा नहीं है, ये हमसे गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, इसका बर्ताव हमें हर्ट कर रहा है, तो इन फ्यूचर इस पर्सन को पछतावा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तब ये पर्सन आपके पास आएंगे, तब आप क्लैरिटी मांगोगे इस पर्सन से, तब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। तो पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिश्ते में, जो भी आप चाहते हैं इनसे, इस रिश्ते से खुल करके इसे, क्या चाहिए आपको, डाउट है किसी तरह का तो वो डाउट क्लियर कीजिए। अगर इनकी मिस्टेक्स है तो कहिए इनसे कि यहाँ पर ये पर्सन गलत है, अगर इनसे कोई मिस्टेक्स हुआ है, किया है इन्होंने, तो कहिए इनसे कि इनसे क्या मिस्टेक्स हुआ है, सच्चाई ना दिखाइए इनको, ठीक है। ये नहीं कि प्यार करते हो इनसे मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, भूल जाते हो, फिर ये दोबारा से कुछ गलत करते हैं आपके साथ, फिर आपको हर्ट होता है, तो इनको इनकी गलतियाँ गिनाइए, या तो आप गिना रहे हो, सही कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, तो ये पर्सन नहीं मान रहे, ऐसा कुछ हो सकता है, तो छोड़ दीजिए इनको इनके हाल में, ठीक है। पर आपको अपने पावर में रहना है, जहाँ पर आप गलत नहीं हो नहीं मानना है, ठीक है, जहाँ पर आप गलत नहीं हो, जहाँ पर ये गलत हैं आपको कह देना है, और अगर आपकी मिस्टेक्स रही है तो एक्सेप्ट कीजिए आप।
क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच होने का, नई शुरुआत होने का पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी सारे लोगों के लिए, जिन लोगों का ऑलरेडी हीलिंग हो चुका है दोनों ही साइड से, उनके बीच नई शुरुआत होने का पॉसिबिलिटीज़ है। आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, पॉजिटिविटी सकारात्मकता आपकी आपकी लव लाइफ में आ रही है, ठीक है, हील होगा आपका रिश्ता, बैलेंस में आएगी, ये पॉसिबिलिटीज़ है। विक्ट्री, विक्ट्री तक पहुंचाने के लिए आप दोनों एफर्ट्स करोगे, ठीक है, फाइट को सुलझाने के लिए ये करेंगे, या तो आप करोगे या आप दोनों मिलकर करोगे, तो स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएगी आपके रिश्ते में, ठीक है, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।